आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के एरोला थाना क्षेत्र के इसहाकपुर गांव निवासिनी 22 वर्षीय युवती आराधना का शव कई टुकड़ों में क्षेत्र के पश्चिम पट्टी गांव के कुएं में मिला था। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, तो वहीं कुछ दिनों बाद नामजद उसके माता पिता सहित 6 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेजा। इस निर्मम हत्या को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं मिर्च का आराधना के पिता केदार प्रजापति को ड्रेस बनाने के लिए समाज के साथ ही राष्ट्रीय दलों के नेता भी उनके घर पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिलकर ढाढ़स बनाया। परिवार के लोगों से घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद मीडिया से बातचीत ने बताया कि इस हत्याकांड में जो 25,000 का इनामी अभियुक्त है उसको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे। साथ ही पीड़ित परिवार को दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5,00,000 की तत्काल सरकार सहायता राशि प्रदान करें। सर, आप यहां पर आए हैं इसहाकपुर में, क्या लगा, मामला कैसा प्रतीत हो रहा है? कि जो बच्ची के पिताजी ने बताया, उसकी बहन ने बताया है, तो ये घटना जिस तरह की जघन्य घटना है, और इस तरह की घटना बहुत रियर कहीं कहीं मिलती है कि ले जा करके उसको जो है इस तरह की घटना की गई, हाथ पैर काट देना, सिर अलग कर देना, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। और जहाँ तक सवाल पुलिस का है, तो पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया है, अपराधी को पकड़ा, अपराधी ने अपराध कबूल कर लिया, 90% जो FIR में नाम है उनको जेल भेज दिया। अभी एक अपराधी जो 25,000 का इनामी है अभी बाहर घूम रहा है, फरार है। बात हुई अभी इंस्पेक्टर से हेरोला, तो उन्होंने बताया कि 5 टीम बनी हुई है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी हम लोग भी इसे खाली होंगे, तो अभी कप्तान से बात नहीं हो पा रही है, और उनसे भी बात करते हैं, ऊपर ADG और DG से भी बात करके, क्योंकि जो अपराधी है, जो इनामी है, घूम रहा है, तो उसका कोई भरोसा नहीं, कोई भी घटना कर सकता है, तो उसको भी जेल के सलाखों में जल्दी पहुंचाने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर, इस तरह से पूरे देश में अपराध जो है, इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं, किस तरफ देश जा रहा है अपना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतनी पुलिस नहीं है कि जो हर घर पे बैठ के निगरानी करे। सूचना मिलती है, पुलिस आती है, जो मानक है सरकार का या संविधान का जो मानक है, उस मानक से भर्ती नहीं है पुलिस की। उस मानक से भर्ती हो जाए तो अपराध में अंकुश लगेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी इसी आजमगढ़ में अगर देखा जाए तो अपराधी आप लोगों के सामने, प्रेस के सामने अगर के बयान दे रहे हैं कि नहीं, हम अपराध नहीं किए हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जब सरकार की मंशा साफ होती है, नीयत साफ होती है कि नहीं, हम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो अपराधी डरता है अपराध करने से। जब अपराधी को संरक्षण मिलता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है अपराध करने का। आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, कुछ सहयोग आपकी तरफ से मिले हैं? अभी बताने की चीज नहीं होती है। परिवार काफी गरीब है, ये बीमार थे, आप लोगों को पता नहीं होगा, तब मुझे जानकारी हुई तो हमारा बेटा अरविंद राजभर इनके यहाँ आया था, उस समय इनकी मदद हुई थी। परिवार को सरकार की तरफ से क्या मदद की मांग? आप देखिए, सरकार की तरफ से मांग करने की जरूरत नहीं है, जो सच्चाई है, दुर्घटना बीमा 5,00,000 रुपया इनको मिलेगा, और इनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, आपकी भी है, हमारी भी है, कि हम लोग अब चूंकि बहुत सी चीजें आदमी सबके सामने नहीं बता सकता, तो मैं कई बार इनसे कहा कि भाई हरिभदन जी, अगर अकेले मिलें, कोई पीड़ा हो, कोई दिक्कत हो, तो अकेले उनसे बता दो, वो हमको बता देंगे,
उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक।